मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं मिलता, मुझसे पहले काफ़ी मुकर्री जितने हमारे मुकर्री आए उन्होंने सभी तालमेल से बातचीत की। मैं आमिर सरदार साहब ने 2 लाख पावरलूम मालेगांव शहर में है और उसके लिए दुर्गर भाइयों को कोई एक मुकाम होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी तंजीम का कोई अपना ऑफिस नहीं था। उनका भाई कहीं मीटिंग ले सके और लोग के मसाइल हल कर सके ऐसा कोई भी मुकाम मालेगांव शहर के अंदर नहीं था। पावर लोग उद्योग विकास समिति पहले ही दिन से वो मेरे साथ लगी हुई है और बाकायदा उन्होंने मुझसे जो पावर लोग के ताल्लुक से जो भी काम उन्होंने लिया है वो काम मैंने मुकम्मल तौर पर मालेगांव शहर के पावर लूम और बुनकर भाइयों का किया। लेकिन हम लोगों ने एक मशवरा किया था कि मीटिंग लेना होती है तो अलग अलग मुकाम के ऊपर बुलाना पड़ता है, तो इसके लिए एक मुकाम होना चाहिए और वो शहर के सेंटर में होना चाहिए। मशवरे से ये बात तय की गई कि ये ओपन स्पेस के ऊपर एक छोटी इमारत क्यों ना हो, एक छोटी ऑफिस क्यों ना हो, कानूनी काम होना चाहिए और बनना चाहिए। और मैंने दलित भाई मेरा अपना दिया अल्लाह का करम मुझे ओपन स्पेस की जमीन दी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 25 पास करवाकर बाकायदा और मुस्लिम विकास समिति को दी गई। वॉल कंपाउंड जो आप लोग देख रहे हैं वॉल कंपाउंड भी एमएलए फंड से बनाकर दिया गया और उसके बाद एमएलए फंड से ही आज बुनकर भवन की तामीर काम जारी है। और मैं समझता हूँ कि बनने के बाद मुकम्मल होने के बाद मालेगांव शहर के पावर लूम के मसाइल यहाँ पर हल होंगे। मैं आप सभी बुनकर भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ मालेगांव शहर के पावर लूम के मसाइल इस पावर लूम उद्योग विकास समिति के ऑफिस से बुनकर भवन से आप लोग अपने मसाइल को हल करेंगे और एक प्लेटफॉर्म होने की बहुत जरूरत आज महसूस की जा रही थी। मैं समझता हूँ कि बुनकर भवन बनने के बाद इस प्लेटफॉर्म भी आज बन चुका है और इस प्लेटफॉर्म से बड़ा बड़ा मसाइल हम लोग हल कर सकते हैं। इस बात को मुझे पूरा यकीन है। मैं समझता हूँ बहुत तफसील में मैं नहीं जाते हुए कि 5 साल मैंने बुनकर भाइयों के लिए क्या किया। मैं समझता हूँ मालेगांव शहर के पावर लूम बुनकर भाई इस बात को जानते हैं। गली से लेकर दिल्ली तक हमारी अपनी सनत की बका के लिए जब भी मालेगांव शहर के बुनकरों ने मुझको आवाज दी पावर लूम उद्योग विकास समिति ने आवाज दी मैं बिल्कुल ताना बताना गली से लेकर दिल्ली तक लड़ाई को लड़ा। असेंबली के अंदर लड़ने की बात हो असेंबली के बाहर लड़ने की बात हो दिल्ली के अंदर नुमाइंदगी करने की बात हो या पाली पालोत्रा जाने की बात हो टेक्सटाइल ऑफिस जाने की बात हो महावितरण प्रकाशगढ़ के ऑफिस में जाने की बात हो जहाँ जहाँ भी हमको जाना पड़ा हमारी अपनी सनत की बका के लिए बाकायदा मैंने अपना वक्त निकाल कर मुकम्मल नुमाइंदगी शहर की है। यहाँ पर साइजिंग की बहुत बातें हुई मैं समझता हूँ कि साइजिंग मालकान से अगर शहर के एक एक कारखानेदार एक एक बुनकर भाई ने उनको अगर मिलकर पूछ लिया कि आप ईमानदारी से बोलना शेख आसिफ ने आपका मसला हल किया या नहीं किया मैं समझता हूँ जवाब आप लोग को उन्हीं से मिल जाए मुझे ज़्यादा बोलने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी।
और उसके बाद कौन कौन सी पार्टी में जाना है, मुझे उनके ऊपर कुछ बात नहीं करना है, मुझे कोई तरकीब आज नहीं करना है। आज मुझको आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना, हमारे शहर के अंदर बहुत अजीब और गरीब सियासत की जाती है और मैं देखकर बहुत हैरान रहता हूं। बहुत हैरान हूं मैं कि कैसे फैसला हम लोगों को लेना चाहिए। आज इलेक्शन असेंबली का चल रहा है, 21 तारीख को वोट डाली जाएगी। और फैसला शहर के आवाम को और आप लोगों को करना है। मैंने कई तंजीमों के जिम्मेदारान को देखा माजी में, सिर्फ पावन में मुझे विकास समिति मालेगांव शहर की एक तंजीम ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी तंजीमें मैंने मालेगांव शहर के अंदर देखा जिनका बहुत बोलबाला इस शहर के अंदर रहा करता था, लेकिन आज वो सिमट कर सब हो चुके हैं, तो नाम भी सुनने में नहीं आता। उनके उदय जाना आज भी एक्टिव है कुछ लोग जो पावर रूम के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, जो पावर रूम बुनकरों को जमा करके आज भी कुछ लोग है पावर रूम तंजीम पावर रूम बुनकरों को जमा करके गर्दी बताकर तकरीर लंबी चौड़ी करके प्रशासन को यह मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अगर पावर का मसला है तो महावितरण को ऐसे बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे पीछे इतनी बड़ी ताकत है। पुलिस डिपार्टमेंट को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम चाहेंगे तो शहर बंद हो जाएगा आपकी ताकत के बदौलत, लेकिन आपकी ताकत के बदौलत वो उनका जाति मुफाद और जाति काम करवा लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता। ये शहर के अंदर ये हुआ है और इसीलिए मैं समझता हूं कि मसाइल आज भी हमारे बहुत सारे जिंदा मसाइल है, मसाइल हमारे खत्म नहीं होते और इसके लिए मैं समझता हूं बुनकर भाइयों को संजीदगी से गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। पावर रूम उद्योग विकास समिति और कुछ तंजीमें आज भी हमारी अपनी सनत के लिए लड़ती है और बाकायदा उन्होंने मुझसे काम लिया है, चाहे पावर हाउस जाना पड़े, चाहे मुंबई जाना पड़े, चाहे टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस जाना पड़े, चाहे प्रकाशगढ़ जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, बराबर इन लोगों ने मुझसे काम लिया। और आज आपके सामने एक वक्त ऐसा आ रहा है 21 तारीख का, 21 तारीख का एक ऐसा वक्त आप लोगों के सामने आ रहा है और मालेगांव शहर की आवाम के सामने आ रहा है। मैंने कई जलसों के अंदर तकरीरें की, सिलेक्शन मैंने बुनकर भाइयों को बहुत बेदार करने की कोशिश की, शहर वालों को बेदार करने की मैंने कोशिश की है। वापस आज आप लोगों से अपील करता हूं, ये इलेक्शन ये शहर के लिए बहुत अहमियत का, पूरे शहर के लिए, सिर्फ पावर रूम या बुनकर भाइयों के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए बहुत अहमियत का इलेक्शन। अगर मालेगांव शहर के आवाम ने कोई गलत फैसला कर ली तो जहां तक मैं मेरी नजर से देख रहा हूं बहुत सारे मसाइल हमारे अपने सामने आ सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूं,
शहर औरंगाबाद नहीं है, हमारा शहर मुंबई नहीं है, हमारा शहर नासिक नहीं है। वहां का मुसलमान अपने तौर पर खड़ा है, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं खड़ा है, उसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भिवंडी हो, मालेगांव हो, यह हमारा अपना खुद का कारोबार है, यह पावर लूम कारखाना हमारा खुद का है, लेकिन इसका ताल्लुक हमेशा गवर्नमेंट से आया है और है। चाहे हम तरासन लगाना है अगर हमें, तो हमको कारपोरेशन से तरासन की एनओसी लेकर पावर हाउस जाना पड़ता है, जब वो कनेक्शन लगता है, यहां से हमारी शुरुआत होती है। हमको अगर पावर रूम लगाना है तो बेलापुर ऑफिस में जाकर, पहले मैनुअल था, ऑनलाइन हो गया, परमिट लेना पड़ता है, बांध का परमिशन लेना पड़ता है कॉर्पोरेशन से, एनओसी लेना पड़ता है जब जाकर पावर लगती है। अगर आज हमको पावर के अंदर सब्सिडी मिल रही है बिजली में, तो हुकूमत महाराष्ट्र दे रही है। अगर हमें आज साइजिंग लगाना है तो कॉर्पोरेशन से एनओसी परमिशन लेने के बाद, हमको बायलर अगर लगाना है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना पड़ती है। अगर हमको ऑटोमेटिक लूम लगाना है तो इतने सब्सिडी हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ती है और सिफारिश लेना पड़ती है। और हमेशा पावर लूम के ऊपर गवर्नमेंट का कोई ना कोई टैक्स हमेशा रहा है, पहले अपक्राय थी, अपक्राय बंद हुई तो शायद वेट आ गया, एलबीटी आ गई, एलबीटी हटी तो वेट आ गया, वेट हटा अभी जीएसटी आ गई, एक्साइज ड्यूटी कभी लग गई। अगर आप संजीदगी से गौर करेंगे तो हमारे कारोबार के अंदर हुकूमत का इंटरफेयर है। और कभी भी जब मुसीबत आ जाती, गवर्नमेंट की पॉलिसी तब्दील हो जाती, गवर्नमेंट कोई हमारे खिलाफ फैसला करती, तो फिर हमको शहर की आवाम को जमा करके तहरीक के रास्ते पर जाना पड़ता। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात कि मालेगांव शहर हमेशा सेकुलर शहर रहा है। हमारे बुजुर्ग लीडरान साबिर सत्तार साहब, हारून अहमद अंसारी साहब, सफीर सेठ, निहाल अहमद साहब, आयशा अकील साहिबा, शेख रशीद साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब और मैं, आज तक ये शहर में हमेशा सेकुलर पार्टी का नुमाइंदा चुन कर आया। एक वक्त आया मुस्लिम लीग भी शहर में आई, ये शहर की आवाम में हमारे लीडरान ने इसको कभी ये शहर में पलटने नहीं दिया, उनको ये बात समझती रही कि शहर को अगर मुस्लिम फिरका परस्ती का डाग लग गया तो सरकार का नजरिया बदलेगा, ये सेकुलर शहर नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट का नजरिया बदलने के बाद हालात शहर के ऊपर आएंगे, और यही वजह है कि आज तक सेकुलर पार्टी का नुमाइंदा चुन कर आया। और 14 से पहले तो हुकूमतें सेकुलर पार्टी की रहा करती थी, लेकिन 14 के बाद मरकज में दूसरी मर्तबा भारतीय जनता पार्टी आई, 14 में भारत
भारतीय जनता पार्टी की सरकार रियासत में आई और आज हालात सेकुलर पार्टियों के साजगार नहीं है और कम चांस है कि हुकूमत सेकुलर पार्टी की आएगी। अभी एक हमारे ऊपर तलवार लटक रही है प्राइवेट कंपनी को देने वाली। असेंबली के अंदर मैंने कहा, विरोध किया, मुखालफत की और मजबूत दलील दी। भिवंडी का टोरंटो कंपनी का मैंने मुकम्मल डाटा वहां पर रखा था, कितनी तकलीफ है वहां के बुनकरों। लेकिन देखिए आप, सरकार तीन जगह का टेंडर निकलता है, अकोला, मुमरा और मालेगांव का। एक जगह का टेंडर रद्द कर दिया जाता है, अकोला भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, इसलिए दो जगह का टेंडर रद्द नहीं किया जाता। अब वो आसिम आजमी और मैं खुद असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी सीढ़ियों के ऊपर जितेंद्र आवाज को भी हमने साथ लिया और सीढ़ियों के ऊपर भी एहतजाज किया, मालेगांव के अंदर भी मोर्चा निकाला, जुलूस निकाला हम लोगों ने, हो गया, हमने निकाला। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अभी तक मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया। तो सरकार का ऐसा नजरिया, अगर हो सकता है तो ये शहर का अगर लेवल सेकुलरिज्म का खत्म हो गया और अगर दूसरा लेवल लग गया तो मजीद हालात हमारे शहर के, चाहे पावरलूम के हो, चाहे दौलत का हो, चाहे जातों ज्ञातों का हो, छोटा मोटा रोजगार करने वालों का हो, मजीद खराब हो सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं, आप ये मत देखिए कि ये मेरा इलेक्शन है, ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का इलेक्शन है या मेरा इलेक्शन है, ये मत देखिए। ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। शहर के बुनकरों ने ये नहीं कहा था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से जाओ, उस पार्टी में चले जाओ। अगर कोई मेरे कॉम्पिटिशन में नहीं होता तो मैं जरूर ये बात आज यहां नहीं बोलता। लेकिन अगर शहर की आवाम ने जज्बात में आकर कोई फैसला कर ली तो इसके नुकसान हमें और शहर की आवाम को उठाना पड़ेगी। इसलिए फैसला आप लोगों को सोच समझ के लेना होगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि फैसला आप लोग अच्छा लें। दोबारा मुझको मौका दिया तो बुनकर भाइयों के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, आप लोगों के काम करने के लिए तैयार हूं। मैं वापस आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, ये बुनकर भवन बन रहा है और यहां पर जरूरत पड़ने पर मजीद इमारत बढ़ाई जाएगी और नाछाप का जो मसला है इंशाल्लाह उसको हल करने की जरूरत पड़ने में कॉर्पोरेशन से प्लाट भी खरीदना पड़े तो खरीद कर उनका भी मसला हल किया जाएगा। बहुत बहुत